आज एक रियल प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करने वाले, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या निकल सकता है जब पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो, तो ये बहुत सारे प्लेयर्स की प्रॉब्लम है। तो इसी के ऊपर मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि आई एम श्योर आप फेस ज़रूर कर रहे होंगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है तो मतलब क्या मेन रीजन्स होते हैं कि पेरेंट्स किस वजह से ना बोलते हैं कि भाई नहीं जाना है क्रिकेट में या फिर नहीं सीखने जाना है? काफ़ी सारे रीजन्स है पेरेंट्स का ना सपोर्ट करने का। सबसे पहला तो मतलब एक स्टडी का प्रॉब्लम होता है, हाँ, कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। या तो जो बच्चे मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक बार गेम पे चढ़ जाते हैं, क्रिकेट खेलना ज़्यादा शुरू कर देते हैं तो पढ़ाई पे वो लोग ध्यान ही दे देते हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है कि बैलेंस नहीं कर पाते इक्वली, क्रिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सबसे पहला ही होता है। दूसरा एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब कि जिसका जैसा कंडीशन है उस हिसाब से मतलब उनको रहना होता है, या एक मतलब अमाउंट होता है उसके बीच में पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि पूरा मतलब एक घर हर महीने सेट करना होता है, मतलब कि एक्सपेंसेस को कैसे सेट करेंगे, कैसे वेवॉक करेंगे, तो ये दूसरी चीज़ एक हो सकती है। और तीसरा मतलब सबसे मेजर प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे से ऐसा सुना है मतलब कि पेरेंट्स का ऐसा मानना होता है कि ये चीज़ में मतलब कंपटीशन बहुत रहती है, तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे, टाइम कितना देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये सारी चीज़ें मतलब चलती रहती है। ओके, तो यहाँ पे तीन प्रॉब्लम सामने आई है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई अब अबव 18 और बिलो 18, उनके लिए भी कई बार सिनेरियो डिफरेंट होते हैं। बिलो 18 में मैं ऐसा मानता हूँ, सबसे पहले मैंने जैसा आपको कहा कि स्टडी और टाइम मैनेजमेंट होता है बिलो 18 के, मतलब पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये पढ़ाई की एज है, अगर ये एज में वो पढ़ाई नहीं करेगा और क्रिकेट में भी आगे नहीं बढ़ा तो फ्यूचर में वो क्या करेगा मतलब बच्चा जाके। तो सबसे पहला ये चीज़ होता है बिलो 18 के लिए, एक चीज़ हो सकती है। दूसरा हो सकता है मतलब कि जैसा कि मैंने कहा कि कई पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नाउ डेज क्या है कि पहले एक टाइम था कि उसमें मतलब ऐसा होता था कि बहुत कम पैसों में मतलब बैट्स खरीदे जा सकते थे, किट्स मिलते थे, कोचिंग की फ़ीस कम हो सकती थी, पर मतलब कंपेयर आज के 10 साल पहले के करते हैं 10-15 साल वो और ये टाइम में मतलब बहुत फ़र्क है। और अभी मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव एकेडमीज के फ़ीस होते हैं, इक्विपमेंट्स भी इतने एक्सपेंसिव आते हैं, तो वो भी एक मैनेज करना मतलब पेरेंट्स के लिए थोड़ा टफ रहता है। ओके, तो अबव 18 के लिए भी यही? अबव 18 के लिए मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर एक चीज़ हो सकती है कि एक बार अगर आपने मतलब स्कूल का एजुकेशन आप कंप्लीट कर देते हो, ठीक है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं तो मतलब आप कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक काम कर सकते हो, छोटा ऐसा पार्ट टाइम बिजनेस होता है, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिनको होता है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो उनको मतलब आप अर्निंग्स करके आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अर्निंग्स में भी मतलब कैसा होता है कि कई लोग के ऐसे मतलब क्वेश्चंस होते हैं कि अगर मैं पूरा दिन जॉब करूँगा या बिजनेस करूँगा तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूँगा, ठीक है। अगर हम कॉरपोरेट लेवल की अगर बात देखते हैं तो बहुत सारे मैंने कॉरपोरेट में जो लेवल पर जो क्रिकेट खेलते हैं मतलब जिनका एज होता है अगर 20 साल 25 साल 30 साल होता है, तो वो लोग सुबह प्रैक्टिस करते हैं बाद में उनका काम करते हैं, या तो पहले सुबह में वो लोग काम कर लेते हैं बाद में शाम को वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो इस तरह से मतलब वो लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और फाइनेंशियल अर्निंग भी कर सकते हैं अच्छी। तो आपने शुरुआत में तीन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की कि एक तो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा कंपटीशन और स्टडी रिलेटेड। तो हमको मान लो कि चलो ये तीन प्रॉब्लम में से आप किसी एक भी कैटेगरी में आते हो, तो हमको सबसे पहले सेल्फ रेडी होना पड़ेगा कि यार ये हमारी प्रॉब्लम है, तो इसको प्रैक्टिकल वे हमको बनाना चाहिए कि भाई कैसे बैलेंस कर सकते हैं या फिर क्या क्या ऑप्शंस मैं कर सकता हूँ, तो उसके बाद पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए कि कैसे कन्विंस करें उनको। हाँ, ऑब्वियसली अगर मतलब बिलो 18 होते हो, जब मैं ऐसा मानता हूँ कि आप 10th में होते हो 12th में होते हो, तो उसी टाइम मतलब पेरेंट्स मना करते हैं, या कई बार उसमें ऐसा भी होता है कि एक सीज़न आपका पूरा स्किप करवा देते हैं जो सबसे क्रूशियल होता है, ठीक है। तो ऐसे में जाके मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक खुद का एक प्लान बिल्डअप करना पड़ेगा और उसमें ही मतलब पेरेंट्स को एक भरोसा दिलवाना पड़ेगा, ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा कि मैं पढ़ाई को अच्छे से बैलेंस करूँगा, प्रायोरिटी उसको भी दूंगा जितना क्रिकेट को दूंगा, ठीक है। और आपको मतलब एक टाइम पीरियड लेके चलना होगा कि मुझे अगर 6 महीने 12 महीने या 2 साल ले लो, इसमें बीच में मैं आपको इतना रिजल्ट दूंगा, इतना रिजल्ट ला के दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ब्लैंक चलोगे, कोई प्लानिंग नहीं होगा और ऐसा के ऐसा ही टाइम निकलेगा, तो ऑब्वियसली आपके आप में रेस्ट्रिक्शन आने ही है, पेरेंट्स आपको रेस्ट्रिक्ट करेंगे ये करने से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब जिसका आपको प्लानिंग करना होगा और पेरेंट्स के साथ आपको बैठ के अच्छे से उनको भरोसा दिलाना है, उनसे अगर बात करनी है कि किस तरह का क्या मैनेज करें और क्या रिजल्ट हो सकता है और वर्क किस तरह का करना है हमको, ठीक है, और इक्वली क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपका स्कूल
टाइम मैनेज हो, ट्यूशंस के टाइम मैनेज हो और एकेडमी के टाइम भी मैनेज हो. क्योंकि आजकल मैंने मतलब बच्चों के मुँह से बहुत सारी बार ऐसा सुना है कि सर हमको रेस्ट नहीं मिल रहा है, स्कूल में 6-7 घंटे देने पड़ते हैं, आके तुरंत ट्यूशन जाना पड़ता है, फिर 3-4 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आके इतना रेस्ट लेना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें मतलब आज के टाइम में बहुत ही मतलब एक कॉमन चीज़ हो गई है कि ये सारी चीज़ों को हम एडजस्ट कैसे करते हैं. तो पेरेंट्स का मना करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने ऐसा कई बार खुद सुना है कि पेरेंट्स मुझे आके पर्सनली ऐसा बोलते हैं कि सर ये रात को आके थक जाता है, घर जाके टीवी देखता है या मोबाइल लेके बैठ जाता है, आके ऐसा बोलता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ नहीं पढ़ूंगा. हर रोज़ मतलब यही बहाना होता है ऑलमोस्ट. और जब भी पढ़ाई करने बच्चे बैठते हैं तो 1/2 घंटा 1 घंटा हार्डली मतलब पढ़ते हैं ऐसा. तो ये सारी चीज़ें ओके हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेयर्स की भी गलती सामने आ रही है कि फिर वो लोग स्टडी को मतलब साइड ऑन कर रहे हैं कि क्रिकेट है पहले बैलेंस कर लो. तो यार ये प्रैक्टिकल प्लान आपको बनाना पड़ेगा कि कैसे आप बैलेंस करने वाले हो, आपको भी सेल्फ रेडी होना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप पेरेंट्स के साथ जाके बातचीत कर सकते हो. राइट, ऑब्वियसली आपको सेल्फ रेडी होना पड़ेगा, मतलब आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, सबसे पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा. ठीक है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये करके दिखाऊंगा. हाँ ठीक है, आप में ये चीज़ होनी चाहिए और आपको भी पेरेंट्स को वही चीज़ दिखानी पड़ेगी. और टाइम बाय टाइम आपको ग्रोथ भी अच्छा आएगा. और अगर आप कल उठ के जाके डिस्ट्रिक्ट खेलोगे, स्टेट खेलोगे, तो पेरेंट्स आपको मना नहीं करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे. ओके, तो यार सिर्फ प्लानिंग से बात नहीं बनेगी, आपको करके भी दिखाना पड़ेगा. क्योंकि प्लानिंग बनाने में तो आप मास्टर हो ही, लेकिन उसको फॉलो भी करना पड़ेगा. तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट.